स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा प्रीविया इज रेयर, रिलेटिवली आर रेयर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस इन विच द प्लेसेंटा इम्प्लांट्स लो इन द यूट्रस एंड कवर पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, इसका मतलब ये है कि गर्भ नाल इस तरह विकसित होती है कि ये पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से गर्भाशय की ग्रीवा को ढक देता है. मतलब जो हमारा यूट्रस होता है, तो जो प्लेसेंटा होता है यूट्रस के ज़्यादातर जो है ऊपर के साइड होता है, मगर इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है इम्प्लांट्स हो जाता है लो इन द यूट्रस. ठीक है, यूट्रस के नीचे, और कवर कर देता है ऑल ऑफ द सर्विक्स को. कवर जो सर्विक्स होता है उसको पूरी तरीके से ढक देता है, जिसकी वजह से यूट्राइन जो ओपनिंग होती है वो कवरअप हो जाती है. ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया. अब ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है मार्जिनल प्रीविया, इसमें प्लेसेंटा इज विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द सर्विक्स बट डज नॉट फिजिकली कवर इट. ओके, एंड पार्शियल प्रीविया, द प्लेसेंटा कवर पार्ट ऑफ द सर्वाइकल ओपनिंग. एंड कंप्लीट प्रीविया होता है, इसको हम प्लेसेंटा कवर ऑफ द एंटायर सर्वाइकल ओपनिंग. ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा मार्जिनल प्रीविया. मार्जिनल प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो 2 सेंटीमीटर ऑफ द सर्विक्स के पास जो होता है और फिजिकली उसे कवर नहीं करता है. ठीक है, पार्शियली प्रीविया क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा जो होता है कवर कर देता है सर्वाइकल ओपनिंग को, और कंप्लीट प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है कवर करता है एंटायर सर्वाइकल ओपनिंग को. ठीक है, फिर आता है लो लाइंग प्लेसेंटा. जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसको हम लो लाइंग प्लेसेंटा भी कहते हैं. तो लो लाइंग प्लेसेंटा इज व्हेन द बॉर्डर ऑफ द प्लेसेंटा इज द विद इन 2 to 3.5 सेंटीमीटर ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा भी कहा जाता है. प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में गहराई तक प्रत्यारोपित हो जाती है. ठीक है, और ये कंडीशन सिजेरियन के बाद आती है. बच्चे की डिलीवरी के बाद भी प्लेसेंटा जो है गर्भाशय से जुड़ा रहता है. ठीक है, अब क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा भी इसको कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के नीचे की ओर आ जाता है. ठीक है, और सर्विक्स के पूरे हिस्से को कवर कर देता है. ठीक है, जिससे कि गर्भाशय की जो ओपनिंग होती है वो पूरी तरीके से कवरअप हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पे महिला को ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है, और जिससे कि महिला की जान को खतरा भी हो सकता है. ठीक है, आमतौर पर प्लेसेंटा क्या होता है कि गर्भाशय के ऊपर की ओर होता है और सर्विक्स से दूर होता है, मगर इसमें क्या होता है कि ये कवर कर देता है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं. और इसमें हम, अगर कोई महिला आती है और आपसे एडवाइस देती है कि हमें क्या करना चाहिए, तो कोई भी प्रेगनेंसी अगर ऐसी आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप एक तो उसको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराने के लिए एडवाइस करेंगे. ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, महिला की अगर एज ज़्यादा है, अगर ज़्यादा उम्र में शादी हो रही है और एजेड हो गए हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी हो रही है, तो सबसे बड़ा कारण वो भी हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का. जिनके एक बार में एक से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, ट्विंस अगर हो रहे हैं, तो वो भी कारण हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का. जिन महिलाओं का सी सेक्शन हो चुका है उनको भी प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत हो सकती है. एडिक्शन के कारण भी जो है प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत होती है. अगर कोई महिला है जो अल्कोहल ले रही है, स्मोकिंग कर रही है, कोई बैड हैबिट्स हैं, तो उनकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत हो सकती है. यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया की महिला को दिक्कत हो सकती है. उसके अलावा सर्जरी, अगर फ्रिक्वेंटली महिला की सर्जरी हुई है काफ़ी बार, या बहुत बार अबॉर्शन होने के बाद प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसके कारण भी प्लेसेंटा प्रीविया की महिला को दिक्कत हो सकती है. ठीक है, तो ये था प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में. मैंने इसलिए बताया कि कई बार ऐसी दिक्कतें होने के बाद भी कई बार हम समझ नहीं पाते कि आखिर परेशानी क्या है. कई महिलाओं के सवाल बहुत होते हैं कि आखिर प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा एक्लेम्सिया या एक्रीटा, ये सब चीज़ें होती क्या है. तो इसलिए मैंने आपको इस बारे में आज डिस्कशन किया. नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा PCOS, मतलब PCOD, जिसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगी और उसका ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आप लोगों को बताऊंगी. उम्मीद है सभी लोग अपना ख्याल रखें. कोविड आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें. अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो अपने आप हाथ पैर धोएं. अगर आप बाजार से, भीड़ भाड़ से आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को टच करने से पहले अपने आप को सैनिटाइज करें. और
मास्क प्रॉपरली लगा के रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अगर आपको मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है तो प्रॉपरली मास्क लगा के रखें। ज़्यादा भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो आपको ट्रिपल लेयर मास्क लगा के रखना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सकें। और दवाइयाँ, अगर आपको कोई परेशानी लग रही है, अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोई सर्दी जुकाम बुखार की दिक्कत हो रही है, तुरंत फिजिशियन से कंसल्ट करके मेडिसिन ले लें, जिससे कि आप जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कर सकें। दूसरी बात, हाई प्रोटीन रिच डाइट लें, विटामिन सी लें, और जहाँ तक हो सके अपनी डाइट हेल्दी रखें। फास्ट फूड और जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं उनको इस टाइम पे अवॉइड करें। अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी तो आई थिंक आप कोविड से लड़ने के लिए प्रॉपरली तैयार रहेंगे और आप नहीं कोरोना हारेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।